अपने देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का जज्बा जो एक जवान में होता है, वही जज्बा उसके परिवार में भी होता है और इसी बात को सही साबित कर दिया है बस्तर की रहने वाली राधिका साहू ने। आपको बता दें कि राधिका साहू ने एक महीने पहले ही नक्सली हमले में अपने पति को खो दिया था और अब उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। अपनी तरफ से भी दान दिया है सीएम केयर फंड में जी। क्या दिमाग में आया आपके और कितना दान दिया आपने? जी, जैसे हमारे पति अपना फर्ज निभाते थे गरीबों और विधवाओं के लिए, तो हमें हमारे मन में ख्याल आया कि हमारे पति ऐसा करते थे तो हमें भी करना चाहिए कि हमारे पति की आत्मा को शांति मिले। कितना पैसा दिया आपने? जी 10,000। ये बताइए कि आपको तो खुद अभी पैसे की जरूरत है ना भविष्य के लिए जी, तो फिर आपने क्या सोच करके दिया? जी, हम अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, हम गरीबों के बारे में सोचे और जो कोरोना वायरस जो बीमारी हो, उनसे परेशान हो, हमसे ज्यादा तो उनको जरूरत है सर। वही राधिका के इस जज्बे को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर उन्हें सलाम किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बस्तर पुलिस आईजी सुंदर राज ने कोरोना से लड़ने में राधिका साहू की ओर से दी गई इस सहायता के लिए उन्हें सलाम किया है। सुंदर राज का कहना है कि खुद आर्थिक समस्याओं से घिरी होने के बावजूद उनका ये सहयोग सराहनीय है। विगत महीने में बस्तर जिला के बोदली कैंप में एक नक्सल हमला में हमारा दो जवान शहीद हुआ है, उसमें एक शहीद उपेंद्र साहू को जो धर्मपत्नी है, उन्होंने 10,000 का जो राशि है ये सहायता राशि के लिए जो उन्होंने डोनेट किया है, ये काफ़ी एक सराहनीय कार्य है क्योंकि खुद इतना पीड़ित है, मतलब उनकी घर में उनके पति का मृत्यु हुआ जो नक्सल घटना में शहीद हुआ, इसके बावजूद उन्होंने ये समाज के प्रति, देश के प्रति उनके एक विचार थे वो काफ़ी सराहनीय कार्य उनके द्वारा की गए थे। उस संपूर्ण विभाग उसके लिए काफ़ी आभार व्यक्त कर रहा है और उनकी इस प्रकार जो कार्रवाई को सराहना कर रहा है। बस्तर से न्यूज़ के लिए भोजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। क्या दिमाग में आया आपका, कितना?